फरसान, और ये गार्निश के लिए प्याज, धनिया और नींबू। अब सबसे पहले स्टेप है हमारी, कढ़ाई को हमने गैस पे रख दिया और गैस ऑन कर देते हैं, और इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून ऑयल। ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हो। बगैर ऑयल के भी आप ये मटकी को भून सकते हो। देखिए अब इसमें मैं ऐड करूँगी ये मटकी, और इसे अच्छे से भूनना है हमें 1 से 2 मिनट के लिए। आप बगैर ऑयल के भी मटकी को भून सकते हो, क्योंकि हमें भूनने के बाद मटकी को धोना ही है। देखिए 1 से 2 मिनट हो चुका है, अब हम इसे एक कंटेनर में निकाल लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 ग्लास ऑफ वाटर, और इसे अच्छे से धोने के बाद हम इसमें का सारा पानी निकाल फेंकेंगे। देखिए बिल्कुल इस तरह। अब हम लेंगे एक प्रेशर कुकर, और ये गर्म होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून ऑयल। आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हो। और तेल अच्छे से गर्म होने देंगे, उसके बाद हम ऐड करेंगे जीरा। जीरे को अच्छे से तड़कने देना है हमें। अच्छे से जीरा फ्राई होने के बाद हम ऐड करेंगे करी पत्ता, और साथ ही ऐड करेंगे प्याज। प्याज को हमें अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राई करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट टेक्सचर है हमारे मिसल का। देखिए प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। अब हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे हम लो फ्लेम पे बिल्कुल आराम से मिक्स करेंगे। ये देखिए हम इसे 1 से 1.5 मिनट तक भूनेंगे। साथ ही हम ऐड करेंगे अब टमाटर। देखिए टमाटर को भी हम अच्छे से गलाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए, और साथ ही ऐड करेंगे ये चटनी और ये हल्दी पाउडर, अब ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और साथ ही ऐड करेंगे नमक, और ये गरम मसाला पाउडर, और साथ ही ये धनिया पाउडर। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। सभी मसाले मिक्स होने चाहिए अच्छे से। अब हम ऐड करेंगे ये मटकी। मटकी को भी हम इन मसालों में 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स होने देंगे। देखिए इस तरह। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। मैं इसमें 3 ग्लास पानी ऐड करूंगी, आप अपने हिसाब से 2 ग्लास या 1 ग्लास भी ऐड कर सकते हो। मैंने हमारे फैमिली के हिसाब से 3 ग्लास ऐड किया है, आप अपने फैमिली के हिसाब से कर दीजिएगा। और अब हम ऐड करेंगे इसमें ये फली का कूट, और साथ ही ऐड करेंगे फ्रेश धनिया भी, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम कुकर को बंद कर देंगे, और हमें सिर्फ 1 ही सीटी लेनी है,
उसके बाद हम लो फ्लेम पे थोड़ी देर गैस को रखेंगे और ऑफ़ कर देंगे। गैस ऑफ करने के ठीक 15 मिनट बाद ये देखिए मेरी मिसल बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। अब हम इसे सर्व करेंगे एक बाउल में। आप देख सकते हो इसका टेक्सचर होटल से भी बढ़िया आया है। देखिए लग रहा है ना बिल्कुल होटल जैसा नाश्ता। तो जल्दी से अपने घर में बनाइए और एंजॉय कीजिए अपने फैमिली के साथ। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी रेसिपी कैसी बनी थी। तो अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी ये टेस्टी रेसिपी इंजॉय कर सके। और हाँ, साथ ही बेल के बटन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर एक न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ रोज़ाना कुछ ना कुछ न्यू सीखने के लिए। और मिलते हैं जल्द ही एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।